ये जो NH 133 है इसमें मुक्तिनाथ जी बोल रहे हैं ना, जरा मेरी बात पूरा सुनिएगा ना, फिर आपको हम तो यहाँ प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हैं। आपने बोला कि इनका कंप्लीट होने दिया ना, पहले इनका कंप्लीट होने दिया ना। आपने बोला कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, क्यों अभी मुझे पूरा बोलने दीजिए ना। तो जो NH 133 है उसमें से चोपा मोड़ से हसडीहा था वो रोड आज से 3-4 साल पहले बन गया, वो NH डिवीजन ने बनाया। NH मतलब कि जो झारखंड सरकार थी, उस वक्त जो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और वो खुद PWD के मिनिस्टर थे, उन्होंने वो बनाया वो रोड। आप 4-5 साल से आप देख सकते हैं कि आज भी वो रोड वैसा का वैसा है यदि हसडीहा से चोपा मोड़ जाएंगे। दूसरा फेज है हसडीहा से लेके महागामा तक, जिसमें कि पोड़ैया हाट का भी बाईपास है, जिसमें गोड्डा का भी बाईपास है, जिसमें महागामा का भी बाईपास है, जिसमें पथरगामा का भी बाईपास है। ये NHAI ने लिया क्योंकि इसको 4 लेन बनाना है और ये संथाल पन्ना का तय हुआ कि ये पहला 4 लेन का रोड बनेगा, उसका भी टेंडर फाइनल हो गया और वर्क अवार्ड जो है कुछ दिन में हो जाएगा, जिसमें कि हसडीहा से लेके महागामा तक 4 लेन बन जाएगा। अब बचा महागामा से लेके पीरपैंती तक। अब महागामा से पीरपैंती तक क्या था कि कोयला आने के कारण ये नेशनल हाईवे का भी काम रुका और कोयला आने के कारण रेल का भी काम रुका, और रेल का काम रुकने के कारण चूंकि इसका जो डायवर्सन हुआ वो डायवर्सन बिहार की तरफ ज़्यादा हुआ, तो झारखंड सरकार ने उस वक्त तत्कालीन रघुवर दास जी की सरकार ने तय किया कि हम बिहार में बनने वाले रेल लाइन का पैसा क्यों देंगे, इसीलिए उन्होंने वो पैसा बंद कर दिया, जिसके लिए कि मैं हाईकोर्ट। अब जब इसका हुआ तो इसका टेंडर हो गया। मेरे यहाँ झारखंड का जहाँ तक सवाल है, जो ललमटिया से लेके इसके पीछे तक जहाँ बाईपास है वहाँ तक का टेंडर हो चुका है, यहाँ तक का वही बाईपास तक का इसको छोड़कर, और ये टेंडर जो है हुआ ही नहीं है, वर्क अलॉट हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई को इसका शिलान्यास भी कर दिया है, ठीक है। अब जो बचा ये पोर्शन बिहार के पास है और बिहार का जो PWD है वो इसको मैनेज कर रहा है। जो बात अभी मुक्तिनाथ जी बोल रहे थे उसका कारण ये है, दो चीज़ें कि चूंकि ये कोयला इस तरफ आ गया तो NH का जो 4 लेन का जो डायवर्सन है वो महागामा केचुआ चौक से वो 1-4 चला गया, वो अब 4 लेन उस तरफ बनेगा और उसी में हवाई जहाज जो है वो उतरने वाला है, ठीक है। अब ये जो है अभी जो क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या होगा, इसको भी नेशनल हाईवे ही मेंटेन करेगी, यहाँ तक उसने बना दिया है। आगे का टेंडर बिहार के इंजीनियर उस दिन आए थे, उन्होंने कहा है कि बिहार का भी ये टेंडर 2 लेन पेव शोल्डर, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो चला जाएगा 1-4 की तरफ, तो यहाँ 4 लेन की आवश्यकता उतनी नहीं होगी, और जब 4 लेन की आवश्यकता 4 लेन बनेगा, लेकिन ये भी नेशनल हाईवे होगा, ये हमेशा 2 लेन शोल्डर होगा। दूसरा जो मुक्तिनाथ जी पूछ रहे हैं कि हमने कहा कि व्यक्तिगत पैसे से होगा, व्यक्तिगत पैसे का सवाल है कि उस दिन जो ये नाला पानी फंसा हुआ था उस पानी को फंसने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जब कहा, हमारे प्रखंड अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा के लोगों ने जब कहा, तो हमने कहा कि नाला का साफ सफाई और इसको निकाल कर बोरिंग से निकाल कर नीचे जो है कंक्रीट भर कर हम अपने पैसे से दे देंगे, कोई पैसा फर्क नहीं पड़ता है, 1,00,000, 2,50,000 में कोई राजनीति नहीं होती है, इसलिए वो विषय था। और जब वो होने लगा उसके बाद बड़ा हंगामा हो गया आपको पता है, लेकिन बढ़िया हुआ, देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। नेशनल हाईवे झारखंड ने अब ये तय किया है कि ये वाला भी पोर्शन जो बिहार में था, जो बिहार RCD के पास था, वो अब NH डिवीजन भारत सरकार बनाएगी, और जो कॉन्ट्रैक्टर को हमने, जिसका मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को उसी के आधार पर वर्क अलॉट करके ये जो 2.5-3 किलोमीटर है ये भी हम दे रहे हैं, और इसका भी सारा का सारा पैसा जो है भारत सरकार दे रही है। सर, झारखंड सरकार के 1,000 दिन पूरे हुए हैं और सरकार करीब में बहुत सारा काम किया है, आज किस रूप में देखते हैं झारखंड सरकार का 1,000 दिन का कार्यकाल? घोषणा किया कि हम अपने फंड से बनाएंगे, फिर ऐसा है कि जब हम आपका जवाब दे रहे थे तो आप उस तरफ बात कर रहे थे, हम आपका इंतजार नहीं कर सकते ना, आप दूसरे से ले लीजिएगा, हम उसका जवाब दे दिए, ठीक है। जहां तक 1,000 दिन का सवाल है, कई एक प्रश्न पिछले 5-7 दिन में आया, आज भी मैंने जब कहा कि हम आएंगे तो कहा कि महागामा में आप एक विकास का काम दिखा दीजिए,
बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, महागामा में मॉडल कॉलेज ही दिखाई दे रहा है, अशोक जी बगल में बैठे हुए, मॉडल कॉलेज विकास का काम नहीं है। यदि आप देखिएगा सुंदर जलाशय से इस महागामा को जो पानी आना था वो आज तक पानी नहीं आया, कोई कह सकता है कि उसकी पूरी लाइनिंग नहीं हुई? अभी हम जब मोहनपुर क्रॉस कर रहे थे तो नहर में पूरा सरासर पानी आ रहा था, किसका कारण? हनवारा में जाने के लिए यदि सनौला किसी को जाना है वो पुल नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास सारे लेटर रखे हुए हैं, पिछले 3 साल में भारत सरकार ने 20 बार डिफेंस मिनिस्टर ने खुद से मुख्यमंत्री से पत्राचार किया है कि सैनिक स्कूल के लिए MOU साइन करो, सैनिक स्कूल के लिए MOU साइन करो, जिनको चाहिए, जिन पत्रकार को चाहिए मैं लेकर आया हूं, मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। यदि राज्य सरकार MOU साइन नहीं कर देगी तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सैनिक स्कूल बना दूंगा? यहां का जहां तक सवाल है इत पार्क का 22 करोड़ 23 लाख, उसका भी कॉपी लेकर आया हूं, 22 करोड़ 23 लाख आज से 2 साल पहले हमने राज्य सरकार को दे दिया है। यदि वो बिल्डिंग नहीं बना रही है तो मैं दे दूंगा। गोड्डा से मेहरमा बनवाए, वही हम करें, गोड्डा से जो मेहरमा वही करें। मैं जब यहाँ 2009 में सांसद बना तो ये रोड ऐसा था जिसमें साइकिल भी नहीं चलता था। और माननीय विधायक जी जब चुनाव हार गए तो इन्होंने कहा कि इस रोड को सबसे ज्यादा बनाना है, हमने काफी मेहनत कर दी है, इन्होंने काफी मेहनत की थी, और इन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये ECL और NTPC को था कि वो मेंटेन करेगा, ECL इसको मेंटेन नहीं कर रहा था, इसको PWD में माननीय विधायक जी ने उस वक्त बहुत प्रयास किया था, और इनके जाने के बाद, इनका हारने के बाद वो काम हमने किया। आज महागामा में अस्पताल की बात हो रही है कि 300 बेड का अस्पताल मेरे पास पड़ा हुआ है, 300 बेड का अस्पताल यदि पास हुआ तो कब पास हुआ? 2012 में पास हुआ। क्या यहाँ का कांग्रेस का कोई आदमी कह सकता है कि हमने पास करा दिया? आज यदि वो बनेगा तो केंद्र सरकार पैसा देगी, क्योंकि उसका बजट 200 करोड़ से जो है 300 करोड़ रुपया हो गया। कब पास हुआ? उसी तरह से रेलवे लाइन जिसके बारे में कह रहे थे, रेलवे लाइन कब पास हुआ? 2014 में पास हुआ। 2014 में क्या यहाँ की विधायक थी? केवल भाषण देने से नहीं होता है, हजार काम है जिसको कि मैं जुड़ा सकता हूँ। खरखोदिया का जो पूरा डेयरी है वो किसके ठेकेदारी के कारण गया? उस वक्त तत्कालीन जो है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ठेकेदारी कर रहे थे, क्या मैं उसको ठेकेदारी में जो है बस जाने देता? एक एक बारिश में जो है वो पूरा का पूरा दीवार गिर गया, क्या मैंने गलत काम किया? यदि बटेश्वर पंप नहर योजना नहीं बन पा रही है तो किसके कारण नहीं बन पा रही है? बिहार सरकार पानी नहीं दे रहा है तो नीतीश कुमार से पूछिए, और यदि इसका काम प्रॉपर नहीं हो रहा है तो झारखंड सरकार को पूछना चाहिए कि आप नहर क्यों नहीं बना रहे? हमने तो इस योजना को पास करा दिया केंद्र सरकार से, 90% पैसा इस योजना का केंद्र सरकार दे रही है, ये AIBP स्कीम में ये पास है। यदि इसमें 100 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है तो 90 करोड़ रुपया भारत सरकार का है, हमारा लाया हुआ पैसा है, हमने क्या काम नहीं किया? इसीलिए महागामा में कोई दूसरे आदमी, यहाँ पावर सब स्टेशन चाहे ठाकुर गंगटी का नजर आ रहा हो, चाहे यहाँ नया नगर का आ रहा हो, किसने बनवाया? यदि यहाँ 100 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर भी लगा ECL में, यदि हम लोगों ने लगाया तो हमारे प्रयास से लगा, डबल इंजन की सरकार से, चाहे मोदी जी की सरकार में लगाओ चाहे रघुवर दास जी की सरकार में लगाओ। लेकिन पिछले 3 साल में यदि कोई एक काम नजर आ रहा हो हेमंत सोरेन जी की सरकार में तो आप ही बता दीजिए कि यह काम हो गया। महागामा मेरा गांव है, मैं महागामा 2009 में भी वोट मांगने के लिए नहीं आया था, मैं 2014 में भी नहीं आया था, और 2019 में भी नहीं आया था, और 2024 में यदि पार्टी ने टिकट दिया तो महागामा वोट मांगने नहीं आऊंगा। मुझे महागामा के लोगों पर भरोसा है और महागामा के लोग मुझे भारी वोट से जिताएंगे, ये मुझे पता है। एक सवाल है कि पहले आपने एक फेसबुक पे एक ट्वीट किया है, आपको नहीं लगता विवादित बयान का श्रेणी माना चाहिए? कौन सा ट्वीट किया? विशेष वर्ग के लोग मेरे ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने तो केवल ये कहा ना कि मुस्लिम भाई, मैंने तो विशेष वर्ग नहीं कहा, मैंने तो भाई ही संबोधित किया ना। मैंने कहा क्या कर दिया है मैंने आपका? यदि विकास की कोई रेखा आई होगी, यदि नेशनल हाईवे 4 लेन बनेगा, यदि मान लीजिए हमने कहा कि केचुआ चौक से वो एकचारी की तरफ जाएगा, तो मैक्सिमम तो मुस्लिम भाई ही प्रभावित हो रहे हैं ना, उन्हीं को तो वो रोड मिलेगा ना। यदि रेल लाइन बन रहा है तो रेल लाइन पर हिंदू चढ़ रहा है, मुसलमान चढ़ रहा है, सिख चढ़ रहा है, ईसाई चढ़ रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि यदि अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया, रेल बनाया, रोड बनाया, सभी के लिए बनाया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं कभी केस मुकदमा नहीं करता, मैं कभी थाने पुलिस नहीं जाता,
मैं कभी भाई की लड़ाई में नहीं जाता। लिखना क्यों पड़ गया सर? तो लिखना इसीलिए कि मैं मैक्सिमम देखता हूं जब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करता हूं तो मैक्सिमम मुस्लिम भाई जो है उस पर अटैक कर देते हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सर वो जनता के नाते ना सर, जनता है, जनता तो सर केवल एक वर्ग, केवल एक वर्ग सर, एक सांसद अपने केवल एक वर्ग, मैं वर्ग ही बोलता हूं सर, अपने सांसद को तो जनता कुछ भी बोल सकती है ना, वही तो केवल एक वर्ग, और लोगों को तो बोलना चाहिए ना, भारत की जनता बोली जाए, केवल एक वर्ग बोलेगा, एक वर्ग बोलेगा तो स्वाभाविक ही तकलीफ होगा। सर जाते जाते एक सवाल, जो रेल के खिलाफ, जो रेल के खिलाफ आप क्या सैनिक स्कूल और मिल्क फैक्ट्री जो है वो चालू हो पाएगा? जब तक मोदी जी की सरकार है और जब तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद इस गोड्डा लोकसभा में है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारी शिलान्यास किया हुआ, हमारी घोषणा किया हुआ किसी योजना को कहीं ले जाए। इसमें वक्त लग सकता है, सैनिक स्कूल भी बनेगा, खरखोदिया में मिल्क प्लांट भी बनेगा। और आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि गोड्डा से पीरपैंती तक रेल लाइन भी बनेगा और पूरा का पूरा भारत सरकार इसमें पैसा देगा, राज्य सरकार की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, ईट फैक्ट्री भी लगेगा। रेल लाइन का काम 2023 में चालू हो जाएगा। कॉलेज के बारे में बताएं, आपके क्षेत्र में ही पड़ता है क्या? आरटी कॉलेज धमड़ी सर आपके क्षेत्र में पड़ता है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जमीन वाला कॉलेज है सर, इसमें विकास नहीं हो रहा है, इसके बारे में बताएं। इसका विकास के लिए राज्य सरकार से पूछे ना, राज्य सरकार का कॉलेज है, मेरा कॉलेज नहीं है सर। केंद्र सरकार के नाते क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार के नाते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा काम है पैसा देना, हमने पैसा देना। आपकी सरकार थी, आपने कुछ नहीं किया हमने उस समय, यदि उसमें बाउंड्री वॉल है ना तो वो भी मेरा दिया हुआ है। यदि